अल्लाह लेकुम ये हमारे पास जो है रिमेनिंग पार्ट ऑफ लिपिड्स हैं रोल ऑफ फासफोलेपेड इन सेल मेम्ब्रेन तो सेल मेम्ब्रेन में फासफोलेपेड को क्या रोल परफॉर्म करता है वो फासफोलेपेड फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड लिपिड बाइलेयर तो अगर आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में जो है एक लिपिड बाइलेयर होता है तो वो बेसिकली लिपिड बाइलेयर जो है वो फेड्स का बना हुआ होता है एक ये है और एक हमारे पास है तो आपको पता होना चाहिए कि लिपिड बाइलेयर सो मिम्ब्रेन मेम्ब्रेन का मेन कंपोनेंट लिपिड बाइलेयर जो है वो हमारे पास फेट से बना हुआ होता है रोल ऑफ स्टीराइड कोलेस्ट्रोल कोलेस्ट्रोल स्टीराइड का रोल क्या है बॉडी मेक कोलेस्ट्रोल इन लेवर एंड यूज इट फॉर अ वेरायटी ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शन रेंजिंग फॉर मेटेनिंग हेल्थ सेलमीम हेल्थी सेलमीम ब्रेन टू बिल्ड क्रूसल हारमोन एंड विटाम तो ये इतहाई इम्पॉर्टेंट है कि कोलेस्ट्रोल हमारे पास कहाँ पर बनता है लेवर में कोलेस्ट्रोल लेवर में बनता है फिर यही कोलेस्ट्रोल हमारे पास डिफरेंट काम में परफार्म करता है पहला काम इसका क्या है पहला काम हमारे पास ये सेलमीम ब्रेन हेल्थी रखता है क्रूसल और उसके बाद क्रूसल हारमोन हमारे पास इम्पोर्टेंट हारमोन और विटामिन के फार्मेशन भी इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं इम्पोर्टेंट हमारे पास दोस्टीराइड कोलेट्रोल हारमोन कौन सा है हमारे पास विटामिन डी है और हारमोन टेस्टोस्टेरोन वगैरह हैं

पोस्ट ट्रांसेशनल ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ मीमब्रेन प्रोटीन तो ये क्या करते हैं ये हमारे पास विटामिन डी के फार्मेशन में और प्रो ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल सेलमब्रेन प्रोटीन में भी ये मॉडिफिकेशन लाता है तो वो कोलेस्ट्रोल की वजह से होते हैं कि वो बायसेंथिस वगैरह उसकी हो जाए हाई प्लाज्मा कोलेस्ट्रोल प्रोमोट एथिरलोरोसिस अच्छा एक हमारे पास बीमारी है एथिरलोरोसिस जहाँ पे हमारे पास वैस में कोलेस्ट्रोल की एकोमोलेशन होती है लो डेंसिटी लिपो प्रोटीन और कोलेस्ट्रोल वगैरह की एकोमेशन होती है जिसकी वजह से जो है वो क्लोज हो जाता है तो कहते हैं कि अगर प्लाज्मा कोलेस्ट्रोल लेवल हाई हो जाए तो वो वहरोसिस कर सकता है स्केटर्ड इन द लिपिड बाई लियर एंड कोले और कोलेस्ट्रोल मालिक्यूल विच हेल्प टू कीप द दिमब्रेन फ्लोइड कंसिस्टेंट ये हमारे पास मिम्ब्रेन फ्लोइड को कंसिस्टेंट लगता है जो अनसैचुरेटेड आंस, लिपिड्स होते हैं जो फ्लो करते हैं जो लिटर बेट मोवेंट करते हैं तो वो सेल मिमब्रेन के फ्लोइड कंस्टिट्यूएंट और उसको फ्लोइड कंस्टिट्यूएंट को इधर उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं उसको मेंटेन रखता है सोप so, और डिटर्जेंट में हमारे पास फर्क है तो यहाँ पे बताया गया है कि दी मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ़ सब सोप एंड डिटर्जेंट यूज ऑफ सच कंपाउंड क्लीनिंग एजेंट इज फैसिलिटेड बाई दियरफेक्ट करेक्टेंट सोप हमारे पास परफेक्ट एंड करेक्टरिस्टिक्स होती हैं यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड एंड साल्टेविंग अल्काइल चेन लांगर देन एट कार्बन एग्जिबिट यू अन यूजल बिहेवियर इन वाटर ड्यू टू ब्रिजनेस आफ बोथ हाइड्रोफेलिक हाइड्रोफोबिक रीजन इन द सेम मालिक्यूल तो ऐसी बात है कि हमारे पास सोप जो है डिटर्जेंट है ये एट कार्बन से बने हुए होते हैं यूजली इसका स्ट्रक्चर जो कि एक्सप्लेन कर दिया गया है तो क्या होता है कि इसमें हमारे पास दो रीजन होते हैं एक हाइड्रोफिलिक होते हैं एक हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक रीजन हमारे पास ग्रीस वगैरह दाग वगैरह के साथ अटैच हो जाते हैं और हाइड्रोफिलिक जो है वो वाटर के साथ अटैच हो जाते हैं और इसी तरह सोप जो है उसकी करेक्टरिस्टिक क्या हो जाती हैं कि वो हमारे पास एज अ डिटर्जेंट काम करता है एसिड मेड अप ऑफ टेन और मोर कार्बन फेटी एसिड हमारे पास दस या दस से ज़्यादा कार्बन से बना हुआ होता है और वो वाटर में इंसॉलेबल हैं क्योंकि वो नॉन पोलर है लोअर डेंसिटी उसकी डेंसिटी लो होती है लिहाजा वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है फेटी एसिड स्प्रेड इवनली ओवर इंसोटेड वाटर सरफेस इवेंचुअली फार्मिंग अमानो मालिक्यूलियर इन विद दोलर कार्बॉक्सल ग्रुप और हाइड्रोजन बॉन्डिंग एट दाटरफेयरफे इंटरफेस एंड हाइड्रोकार्बन चेन आर एलाइन टूगेदर अवे फ्राम दाटर तो क्या होते हैं कि नॉन पोलर दाग के साथ अटैच हो जाते हैं और जो पोलर वो वाटर के साथ जो इस तरह जो है हमारे डिटर्जेंट का काम कर देते हैं सस्टान दैट एकोमोडेट एट वाटर सर्फेस एंड चेंज डि सर्फेस प्रॉपर्टी आर कार्ड सरफेक्टेंस तो वो का वो हमारे पास सस्टान जो कि वाटर के ऊपर हो के वाटर के एक्टिविटीज को जो है चेंज करते हैं से उसे सरफेक्टेंस कहते हैं उसकी टेंशन को कम ज़्यादा करते हैं तो सरफेक्टेंस होते हैं हमारे पास Alkali metal salt of fatty acid are more soluble in water than the acid. दमसेल अलक् मेटल हमारे पास वो वाटर में मोर्थ ऑलेबल है एसिड से एंड एम्फेफिलस दिसमेम स्ट्रॉग सरफेक्टेंस और ये एम्फेफिल स्ट्रक्चर इनका ये पोलर के पोलर नॉन पोलर दोनों है इसको क्या करते हैं इसको एज अ सरफेक्टेंस स्ट्रॉन्ग सरफेक्टेंस यूज किया जाता है मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सच कम्पाउंड क्या है कि सोप एंड डिटर्जेंट दी यूज ऑफ सच कम्पाउंड आर क्लिनिंग एजेंट इज फैसिलिटेटेड बाई दियर सरफेक्टेंस कैरेक्टरिस्टिक विच लोअर दर्फेस टेंशन ऑफ वाटर एलाविंग इट टू पेनेट्रेट एंड वेट अवेराइटी ऑफ मटेरियल तो क्या होते हैं कि द यूज़ ऑफ संग क्लिनिंग ये क्लिनिंग एजेंट के लिए हम यूज़ करते हैं इसके हाई इसमें जो पोलर नॉन पोलर पोर्सन है नॉन पोलर ग्रीस फिर वगैरह के साथ या कोई दाग के साथ अटैच हो और पोलर जो है वो वाटर के साथ अटैच हो गए तो सरफेक्टन्स क्या काम करते हैं वो हमारे पास एक्शन में किरदार अदा करते हैं वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इन वाटर टू गिव अ रैंडम डिस्पर्जन ऑफ साल्यूट मालिक्यूल हाउर वैन दी कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीज इन इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चेंज आकर दरफेक्ट मालिक्यूल रिवर्सबल इसम इन टू अपाली मालिक्यूल एग्रीगेट कार्डेल मिसेलस तो क्या होता है कि जब हमारे पास जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ सरफेट को हम ऐड कर लेते हैं तो रेंडम डिस्पर्जन असल्यूट मालिक्यूल हो जाता है और वो उनमें चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं रिवर्सेबल वो अटे हो जाते हैं पाई वाई की स्ट्रक्चर को और इसे क्या के कहते इसे पाली मालिक्यूलर एग्रीगेट को मिसेलस कहते हैं बाय गैदरिंग दी हाइड्रोफोबिक चेन टुगेदर तो इन द सेंटर ऑफ द मिसेलस डिस्ट्रप्शन ऑफ हाइड्रोकार हाइड्रोजन बाउंडेड स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड वाटर इज मिनिमाइज एंड द पोलर हेड ग्रुप एक्सटेंडेड इनटू द सराउंडिंग वाटर वेयर दे पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बांग होते हैं कि हमारे पास जो पोलर हैं वो वाटर की तरफ चला जाते हैं जहाँ पे ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बाड बना के उन जो है हमारे पास दाग वगैरह को जो है रिमूव कर लेता है मेसेलेस आर एबल टू इनकेप्सुचुलेट नॉन पोलर सब्सटांस तो मेसेज का कहें कि हमारे पास नॉन पोलर सब्सटांस को भी इनकेप्सुलेट कर देते हैं और एज अ ग्रीस यह हमारे पास हाइड्रोफोबिक नेचर रखता है ये ग्रीस वग़ैरह को जो है रिमूव करता है क्योंकि ये हमारे पास नान पोलर सो लिहाजा ग्रीस और फेड्स और जो दाग वगैरह हैं वो भी हमारे पास नान पोलर से तो ये उसके साथ मिलकर उन्हें रिमूव कर लेता है दल्डेस एमपेलिक हमारे पास अच्छा ये डिफरेंट ये ये टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आप देख लें कि सोप सोडियम सिट्रेट के अगर फार्म में है तो उसका स्ट्रक्चर ये है एन एनाइनिक डिटर्जेंट अगर एनाइनिक डिटर्जेंट है तो एनाइट एनाइन पे हमारे पास कौन सा चार्ज होता है एनाइन पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज होते हैं तो ये नेगेटिव चार्जेस हमारे पास डिटर्जेंट जहाँ पे नजर आते हैं इसके साथ हमारे पास ये केटोनिक डिटर्जेंट है और ए नॉन आयनिक डिटर्जेंट ये हमारे पास डिफरेंट वो था कंपोजिशन वगैरह फंक्शन था उसका लेपेट्स का अगर इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह तो आप हमसे पूछ सकते हैं ओके